मुझे भी फेस करना पड़ा। मेरे निवास से यहाँ का रास्ता लगभग 1.25 घंटे का है, मुझे 2.5 घंटे से ऊपर लग गए। तो अपने जो 52 पाल के अध्यक्ष हैं, मुख्य रूप से आज उन्होंने ही प्रेस वार्ता को संबोधित करना है, बस वो अभी 2-4 मिनट में आने वाले हैं। मैं उनके आने से पहले कुछ परिचय करा देता हूं, जिससे हम लोगों को ध्यान में आ जाए कि यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद की यात्रा नहीं है, यह यात्रा संपूर्ण हिंदू समाज की है। कुछ वर्गों ने राजनीतिक कारणों से कुछ भेद पैदा करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो लोग यहां पर उपस्थित हैं उनके परिचय से आपको ध्यान में आ जाएगा, समाज के सभी वर्गों के बहुत सम्मानित महानुभाव आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्थानाभाव के कारण से हम उनके सम्मान के योग्य स्थान उनको नहीं दिला पा रहे हैं, इसके लिए मैं उन सबसे क्षमा याचना करूंगा। तो मेरे साथ में जो लोग उपस्थित हैं, सुरेंद्र देसवाल जी, आप नाम से ही समझ गए होंगे, जाट समाज के बड़े प्रमुख लोगों में से एक हैं और गौ सेवा आयोग के आप सदस्य हैं। श्री रंजीत नंबरदार जी, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति संपूर्ण मेवात में हैं, इनकी आवाज उठने के बाद समाज का कोई व्यक्ति इनको ना नहीं करता और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वहां के सामाजिक क्षेत्रों में इनकी रहती है। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। श्री रंजीत नंबरदार जी, हो गया सुरेंद्र भारती जी मेरे भाइयों ही बैठे, आप बहुत प्रमुख वहां के व्यक्ति हैं और वहां के क्षत्रिय समाज में इनका बहुत ऊंचा नाम है। संपूर्ण क्षत्रिय समाज इनको अपने नेतृत्व के तौर पर स्वीकार करता है। श्री योगेश जी हिलालपुर से, योगेश शर्मा जी, आप एक पत्रकार भी हैं लेकिन बहुत बड़े सामाजिक नेता, ब्राह्मण समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान इनका है। उजीना से श्री अरुण जी, युवा साथी हैं और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हर क्षेत्र में देते हैं। श्री रमेश मातुवास जी, मानुवास जी, अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। श्री रामकिशन तंवर जी, श्री पंडित ओमवीर जी शर्मा, वहां के ब्राह्मण समाज के एक बहुत जाने पहचाने नाम है। श्री श्याम सुंदर जी आए नहीं है अभी, वो साथ ही आने वाले हैं। तो 2-3 लोग प्रमुख रूप से आने वाले हैं, अभी रास्ते में ही हैं और अभी फोन काटा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल नजदीक में अशोक रोड पर आ लिए हैं। यात्रा की गर्मी तो है ही, आज सूर्य भगवान भी पूरी कृपा कर रहे हैं और पूरी गर्मी के साथ वो भी आतुर हैं कि इस बार की यह यात्रा का स्वरूप क्या रहेगा, किस प्रकार के। हमेशा तो यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में निकलती है, इस बार कौन लोग इसका नेतृत्व करेंगे, क्या इसका स्वरूप रहेगा। मैं समझता हूं अरुण जी के आने से पहले कुछ बातें हम लोग शुरू कर ही देते हैं। हम सबको ध्यान में है कि ये जो मेवात का क्षेत्र है ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महाभारत से भी पहले के मंदिर वहां पर उपस्थित हैं। 3 मंदिर विशेष रूप से हैं, एक नल्लड़ महादेव जहां पर यात्रियों पर हिंसक हमला किया गया था, दूसरा झिर महादेव का मंदिर जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास में शरण ली थी
और तीसरा श्रृंगारेश्वर का मंदिर, ये वो मंदिर है जहां भगवान कृष्ण का श्रृंगार हुआ था, गांव के लोगों ने किया था, और वहां स्थापित शिवलिंग जो पहले से था उसकी पूजा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। और हम सबको ध्यान में है कि अब महाभारत और भगवान कृष्ण कोई भी इनको मिथ कहने का साहस नहीं कर सकता, अब इनके ऐतिहासिक तथ्य मिल रहे हैं। इस प्रकार के धार्मिक स्थलों से युक्त यह मेवात का क्षेत्र है। इन तीन मंदिरों में श्रावण माह में हमेशा से संपूर्ण देश का हिंदू समाज वहां पर जलाभिषेक करने के लिए आता रहता है, यात्रा निकलती रहती है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में लोग जाते हैं और तीनों मंदिर में जाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने इस यात्रा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था, संगठित रूप प्रदान किया था। दुर्भाग्य से इस बार जो 31 जुलाई को वहां का प्रकरण हुआ वो सब आपको ध्यान में है, मैं वो विषय दोहराऊंगा नहीं। एक उसके बाद में असमंजस रहा कि यात्रा अधूरी है, कैसे पूरी होगी, तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, तरह तरह के राजनीतिक स्वार्थों के कारण से समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन आज की उपस्थिति से आप सबके सामने यह सिद्ध हो गया है, संपूर्ण मेवात का हिंदू समाज एक था, एक है और एक रहेगा। देश और धर्म की रक्षा के लिए मेवात का हिंदू समाज हमेशा से तत्पर रहा है, और इसलिए वहां के लोगों ने ही कहा कि यह यात्रा हम पूरी करेंगे। ये बात तय है। इस समय प्रशासन बहुत सख्त और सघन कार्यवाही कर रहा है दंगाइयों के ऊपर। आप सब लोगों के माध्यम से संपूर्ण विश्व के सामने वो समाचार आते रहते हैं। हम नहीं चाहते इस यात्रा की व्यापकता के कारण, यदि बड़ी संख्या जाती है तो व्यापकता रहेगी, उस व्यापकता के कारण से किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा हो उन कार्यवाहियों के अंदर, ये भी हम नहीं चाहते। G20 का समिट होने वाला है, मेवात के अंदर ही कुछ इवेंट होने वाले हैं, तावड़ू के अंदर। G20 यानी भारत के लिए कितना प्रतिष्ठा का विषय है, भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, वह आयोजन भी धूमिल ना हो, क्योंकि वहां दंगाई तो कुछ भी करने को तैयार है। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमने प्रशासन के सामने विकल्प खुला रखा है। यात्रा होगी, उसका रूप क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, इस पर चर्चा की जा सकती है। यह संपूर्ण समाज जो आपके सामने उपस्थित है, अंदर बैठकर हम लोग यही चर्चा कर रहे थे और इन सब ने कहा धार्मिक यात्रा के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। कांवड़ यात्रा के लिए कोई अनुमति लेता है क्या? कोई मोहर्रम के ताजिए निकालने के लिए अनुमति लेता है क्या? कोई हनुमान जयंती, रामनवमी के कार्यक्रमों के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मे की नमाज सड़क पर उतर कर पढ़ने के लिए कोई अनुमति लेता है क्या? हम सूचना देंगे, हाँ आकार और प्रकार इस पर बैठकर हम खुले दिल से चर्चा करने के लिए तैयार हैं प्रशासन के साथ। और वहां के सर्व हिंदू समाज की अगुवाई में यह यात्रा रहेगी। श्री अरुण जेलदार जी जो बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, उनके साथ मेवात के सभी समाजों के सभी धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उस यात्रा के अंदर उनकी अगुवाई करेंगे। कुछ पूज्य संत भी इसमें प्रमुख रूप से रहने वाले हैं। उन संतों में कुछ के नाम मैं बता रहा हूं। पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं और
संत समिति के अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं। बहुत प्रतिष्ठित और बड़ा ऊंचा नाम है, हम सब जानते हैं। उन्होंने स्वयं इच्छा की कि मैं अपने कुछ प्रमुख संतों के साथ इस यात्रा की अगुवाई करने को तैयार हूं। पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज पटौदी में निवास है, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति लेकर आए हैं और समाज के हर संघर्ष में, जीवन के हर मोड़ पर वो साथ में खड़े हुए हैं। दिल्ली से पूज्य स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज और महाराज पूज्य स्वामी आदित्यनाथ जी महाराज, इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष माननीय आलोक जी, ये भी इस यात्रा में उपस्थित रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा संतोषजनक ढंग से पूरी होगी, शांतिपूर्ण ढंग से होगी, एक सद्भावपूर्ण माहौल में होगी। मैं सारे मुस्लिम समाज की ओर उंगली नहीं उठा रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम समाज में ऐसे लोगों की भी है जो देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। और बहुत लोगों ने हमको कहा भी है कि हम इस यात्रा में सहयोग देने को तैयार हैं, जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। जेलदार जी अभी बीच में आकर वो सारा विषय हमारे सामने लेंगे। लेकिन संपूर्ण हरियाणा के लोग पहले से आते थे, उनका उत्साह बहुत रहता था हमेशा से। इस बार भी 20,000 से अधिक लोग उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन पूरे हरियाणा को हमने आह्वान किया है कि इस बार यात्रा वहां का हिंदू समाज निकाल रहा है, तो मेवात से बाहर का हिंदू वहां पर न आए। और इसलिए हमने सबको आह्वान किया है कि ब्लॉक लेवल पर अपने अपने स्थान पर किसी एक बड़े मंदिर में सब लोग सामूहिक जलाभिषेक करें और प्रातः 11 बजे का मुहूर्त मेवात के मंदिरों में भी और संपूर्ण देश के मंदिरों में जहां इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे वहां 11 बजे का तय किया गया है। और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि वो इन दंगाइयों को सद्बुद्धि दे, वहां हिंदू समाज के जनजीवन, उनके धार्मिक कार्यक्रमों और उनकी यात्राओं में अगर भाग नहीं ले सकते तो कम से कम बाधा न डालें और हिंदू समाज के साथ सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जिसे हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करना सीखे। अब उनको भी ध्यान में आ गया होगा, आखिर एक सीमा होती है हर चीज की, वो सीमाएं अपार हो रही हैं और कितनी बदनामी मेवात की होगी। भारत का सबसे बड़ा साइबर क्राइम हब इस रूप में उसकी पहचान बन गई है, जबकि उसकी पहचान तो भगवान कृष्ण की धरती के रूप में थी। वहां आकर हर व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता था, पुलिस वालों की किस प्रकार निर्मम हत्या कर दी जाती थी, ये सब दृश्य भी हम सब लोगों ने देखे हैं और आप सब के माध्यम से दुनिया ने देखे हैं। इसलिए अब वो सब चीजें इतिहास की बन जानी चाहिए। ऐसी सद्बुद्धि वहां के मुस्लिम समाज के उन दंगाइयों को मिले जो इस प्रकार की बाधाएं निर्माण करते हैं और हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करते हैं। पिछले दिनों कुछ नैरेटिव से स्थापित करने की कोशिश की गई, समाज को बांटने की कोशिश की गई, दो तीन नाम लेकर उनके ऊपर आरोप डालने की कोशिश की गई, लेकिन मैं समझता हूं कि SSP वहां के DGP इन सब ने स्पष्ट कर दिया है कि जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो कोई अपराधी नहीं है, उनके कारण से दंगे नहीं भड़के, इसकी तो योजना पहले से चल रही थी, सुनियोजित थी। वहां के कांग्रेस के कुछ MLA उनके अंदर किस प्रकार के जहर भर रहे थे, उनके भाषणों के द्वारा किस प्रकार से भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, वो हम सबको स्पष्ट है। इसलिए मैं समझता हूं इस यात्रा के बाद ये सारे नैरेटिव समाप्त होंगे, जो असलियत है उस पर ही चर्चा होगी, क्यों अभी तक हिंदू वहां से पलायन कर रहा था, क्यों 100 से अधिक गांव हिंदू शून्य हो चुके थे,
अब वहां के हिंदू ने तय किया है हम पलायन नहीं करेंगे, मिलकर रहेंगे, यात्रा को भी पूरा करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से सब रह सके मिलकर इस प्रकार का वातावरण निर्माण करेंगे। श्री अरुण जेलदार जी इधर ही आ जाइए, यहीं से आप उधर से आइए, पीछे से आगे से रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ इतनी दूर से। हालांकि जितने भी यहाँ महानुभाव उपस्थित हैं, अरुण जेलदार जी इतने विनम्र व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि इनमें से ये सब लोग मेरे से भी ज्यादा सम्मानित हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने ही उनको वो दायित्व दिया है इसलिए उनके द्वारा ही यह विषय आए, अच्छा रहेगा। इससे पहले 2 मिनट के लिए सुरेंद्र भाटी जी अगर कुछ कहना चाहते हैं। सर एक बार डेट और टाइम अगर आप। हाँ, 28 तारीख प्रातः 11 बजे जलाभिषेक का समय है और वो जलाभिषेक केवल मेवात के मंदिरों में नहीं, संपूर्ण हरियाणा के ब्लॉक लेवल के मंदिरों में वहां के समाज के द्वारा किया जाएगा। जैसे मेवात के भी सर्व हिंदू समाज ने तय किया है ये यात्रा हम करेंगे, वैसे ही पूरे हरियाणा के सब प्रखंडों में प्रातः 11 बजे वहां का हिंदू समाज जलाभिषेक का कार्यक्रम करेगा। उनके आने से पूर्व यदि कुछ और बातें पूछनी है तो पूछ सकते हैं। सर ये आप लोग जाएंगे मंदिर तक जाएंगे क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है आज तारीख है 25, 28 में पर्याप्त समय। यात्रा का जो, हाँ आज 26 है, यात्रा का रूट जो हमेशा से है वही रहेगा। इस बार यात्रा में संख्या, इस बार यात्रा में संख्या अधिक ना रहे इसका प्रिकॉशन हम स्वयं रख रहे हैं। मेवात क्षेत्र के हिंदू भी इन तीनों मंदिरों में, इन लोगों ने कुछ तय किया है उसके अनुसार तीनों मंदिरों में एक साथ उपस्थित रहेंगे। नल्हड़ से यात्रा प्रारंभ होगी और आइए अरुण जी स्वागत। नल्हड़ से प्रारंभ होंगे, वहां से जैसे बाद में जाते हैं श्रृंगारेश्वर मंदिर में और उसके पश्चात वहां से जाएंगे हम झिर महादेव में और झिर महादेव के बाद श्रृंगारेश्वर में। एक परिचय मैं करा देता हूं जिनकी प्रतीक्षा हम सब लोग कर रहे थे और थैंक्स टू दिल्ली ट्रैफिक फंस गए कहीं ट्रैफिक में। श्री अरुण जेलदार जी, आप 52 पाल के अध्यक्ष हैं जिनको हम लोग हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में खाप के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में पाल के नाम से जानते हैं। और यह जो क्षेत्र है 52 पाल का, ये आगरा से लेकर दिल्ली तक और अलवर से लेकर अलीगढ़ तक, यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब यहां का सारा क्षेत्र इन पालों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की सम्मानित पालों के आप माननीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं अपनी बात रखें। राम राम जी। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, विशेष तौर से ये निवेदन लेके आए हैं कि जो 13 तारीख को फाउंड्री में पंचायत हुई थी और उसमें जो सभी ने, समाज ने जो निर्णय लिए थे, आप सबके बीच में है वो सारे निर्णय, सरकार उन्हें सभी निर्णयों को गंभीरता से विचार करे और उन सबको अनुपालन करे, जिसमें निर्णयों की तो आप सभी को जानकारी है। हम ये चाहते हैं कि जैसा वहाँ पे हुआ ऐसा कभी नहीं हो, किसी के साथ नहीं हो, ये विशेष तौर पे आप सबसे माध्यम से, सरकार से और देश के जो रहनुमा सरकार चला रहे हैं कि लगभग 5-5, 6-6 घंटे तक बंधक बनाए रहे आप सबके सामने, नज़रों के सामने हैं,
किसी के साथ ना हो, कभी ना हो, कहीं ना हो। हम 75वीं वर्षगांठ से ऊपर जा रहे हैं देश की, और यहाँ से 7500 किलोमीटर दूरी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसी स्थिति आप सब अगर कल्पना करेंगे कि वो किस स्थिति में वो सब लोग रहे होंगे वहाँ पे, वो नहीं होना चाहिए था। और जिनकी भी उसमें कमी है, जिनकी वजह से ये कमी रही है, उनको रेखांकित किया जाए, और जिन्होंने ये कमी की है, जिन्होंने ये कमी की है उनको भी, दोषियों को बख्शा ना जाए, जिससे कि आगे किसी दोबारा से किसी की हिम्मत ना हो इस तरह का जघन्य जो 31 तारीख को हुआ है वो कभी ना हो। पंचायत में जो निर्णय लिए गए थे वो सभी निर्णय आप सबके समक्ष हैं। विशेष तौर पे अभी जो ज्ञापन दिए गए थे डीसीज के मार्फत सीएम, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सभी को दिया गया उन मांगों के संदर्भ में। अब उसमें से जो सबसे नज़दीक जो उस पंचायत का निर्णय था वो 28 तारीख की जल अभिषेक यात्रा का था। तो सरकार से यही अपील है कि सरकार भावनाओं को मद्देनजर उस यात्रा को पूर्ण करने में सहयोग करें, और उन्हें जिस सहयोग की हमसे अपेक्षा है उसके लिए हम सब तैयार हैं। हर प्रकार से हम लोग सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए हैं, और पीछे भी इसमें बहुत सारे लोग, 18 तारीख को एक मीटिंग हुई थी मिटगोला में, उसमें दोनों समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें 5-7 हिंदुओं की पाल खाप थी, चार पांच मुस्लिम पालों की खापे थी, और उन सब ने भी ये वाली बात कही। उन सब ने भी यही कहा कि हम किसी भी उपद्रवी को छिपाएंगे नहीं, और समाज में जो विकृति फैला रहे हैं उन सब को हम सब आगे लेके आएंगे, और आगे ऐसे कभी नहीं होने देंगे। उस जगह दोनों पक्षों की सरदारियां थी, वो एक मीटिंग थी, और उसमें उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के ये वाली बात कही। जब ये बात सबके सामने आई कि ये सब उपद्रव हो क्यों रहा है, और जब मंथन हुआ तो उसमें यही निकल के आया कि हम लोग गौ माता का वध स्वीकार नहीं करते, और ये गौ माता के वध की वजह से ही, जो गौ माता की हत्या होती है उसकी वजह से ये सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जो मेव समुदाय से थे उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि हम मेवात को गौ वध मुक्त बनाएंगे, और जो हिंदू समाज के लोग थे, आज भी आप अमर उजाला न्यूज़पेपर देखेंगे, उन्होंने वहाँ पे पंचायत की है कि ना हम गौ मांस खाएंगे ना किसी को परोसेंगे। जो वो समाज है उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के जुम्मेवार लोग हैं, वो आगे आए हैं, और उन्होंने उसके बाद में कुछ लोगों को पकड़वाया भी है। तो सभी समाज मिलके, अकेला एक मेरे पास कोई समाधान नहीं हो सकता, अकेला आपके पास एक समाधान नहीं हो सकता, लेकिन हम सब मिलेंगे तो हम सब के पास सारे समाधान होंगे। तो इस तरह की कोई घटना ना हो, और हम सब मिलके राष्ट्र बनाएं। धन्यवाद। कुछ प्रश्न पूछने हैं तो पूछ। सुरक्षा का दृष्टिकोण सर बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है यात्रा की, तो क्योंकि महिलाएं भी रहेंगी, बच्चे भी रहेंगे, आप लोगों की तरफ से क्या एहतियात बरते जाएंगे? सुरक्षा की व्यवस्था करना, बाकी व्यवस्थाओं को देखना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और हमको उनकी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। भूतकाल की गलतियों से सबक लेंगे और इस यात्रा की पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। सर, पीछे के फुटेज में दिखा था, और कई सारे चैनल्स के भी फुटेज में दिखा है, जो यात्री थे जो जलाभिषेक में जा रहे थे,
हिंदू पक्ष की तरफ से भी हथियार था, वेपन्स दिखाई दिए थे, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस बार, आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? चर्चा सबसे हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है ये नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। कहीं ये नैरेटिव उन दंगाइयों को कवर फायर तो नहीं दे रहा कि उन लाठियों को देखकर, दो चार तलवार होंगी उनको देखकर ही दंगा हुआ है। आज सारी चीजें सामने आ रही हैं, तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे किसी भी प्रकार का कोई अवैध हथियार वहां पर न जाए। सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया इस सारे विषय के अंदर सही नैरेटिव्स को ही स्थापित करें। ऐसी चीजें जो अतार्किक हैं, इर्रेशनल हैं। आखिरकार सबसे आगे जहां पर गोलियां चली थी वहां मैं खड़ा था ना, आप में से तीन पत्रकार बंधु वहां पर थे, वहां तो किसी के हाथ में लाठी तक नहीं थी, क्यों हम पर गोलियां चलाई गई? इसलिए मैं समझता हूं इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। आप सरकार के सहयोग की बात कर रहे हैं, प्रशासन के सहयोग की बात कर रहे हैं, G20 का विजिट आपने किया, तो ऐसे में जब प्रशासन ने यात्रा को निकालने के लिए इजाजत नहीं दी है, तो फिर आप क्यों आमादा हैं? शांति की अपील क्यों नहीं की जा रही है? अभी हमने इजाजत मांगी ही नहीं है, ये सब लोग आपके साथ बैठे हैं। और मुझे लगता है जो बात कही कि ये धार्मिक यात्रा है, इसके लिए इजाजत मांगी नहीं जाती, सूचना दी जाती है। और बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है कि हम तैयार हैं प्रशासन से बात करने के लिए, इसका रूप क्या रहेगा, इसका आकार क्या रहेगा, आखिर हमने पहल की है, इसी बात को ध्यान में रखकर, इससे आप हमारी संवेदनशीलता का अनुमान लगा सकते हैं कि हम मेवात से बाहर के हिंदू समाज को वहां आने के लिए निमंत्रित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सम्मान उनके प्रति, संपूर्ण मेवात क्षेत्र के जो संवेदनशील लोग हैं उनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना को ही दिखाता है। सर, आपने कहा कि लोग कम होंगे, हम इस बात चाहते हैं कि लोग कम हो लेकिन यात्रा पूरी रहे। अगर पुलिस से बात होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है, और रूट चेंज करने की अगर बात कहते हैं, स्पेसिफिक रूट बताते हैं, रूट छोटा करने को कहते हैं, चेंजेस के लिए तैयार हैं आप? मुझे लगता है ये निर्णय तो अरुण जेलदार जी और ये लोग वहां पर बैठकर करने वाले हैं। इस बार ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, और हम जेलदार साहब से और इस सारी पंचायत से निवेदन करेंगे आगे भी हम इनके सहयोगी के तौर पर रहें, यात्रा का नेतृत्व यही लोग करें। इसलिए अरुण जी, ये बताइए, अगर प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती है या प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि कोई बाहरी लोग ना आए, देवास के अलावा, तो इसके लिए आप लोग राजी होंगे? अगर अनुमति नहीं मिलती है, खुद कहा सुरेंद्र जी ने कि यात्रा के लिए इजाजत नहीं मांगी जाती, सूचना दी जाती, क्या सूचना दी है? और अगर प्रशासन कहता कि बाहर से कोई नहीं आएगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार होंगे? देखिए, किसी को भी भारत में अपने धार्मिक स्थल पर जाने की पूर्णतः स्वतंत्रता है, और विशेष अवसर पे तो खास तौर से, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी है तो लोग मथुरा जाते हैं, जलाभिषेक सावन में होता है, सावन का सोमवार है, आखिरी सोमवार है, बहुत समय के बाद 8 सोमवार सावन में पड़े हैं, तो इसलिए एक विशेष समय है। और ये सभी जो भक्तजन हैं उनकी भावनाओं को देखते हुए सरकार को उसका इंतजाम करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए, जैसे कि पीछे कावड़ में किया, ब्रज परिक्रमा में किया, और बाकी जो और धार्मिक यात्राएं होती है सब में सरकार करती है, तो उसके मद्देनज़र अगर उन्हें कहीं पे लगता है कि भाई आगे सबमिट है और उसके लिए कुछ चीज़ें उन्हें समाज से चाहिए कि भाई इस तरह से हैंडल होनी चाहिए, तो उसमें हम सब लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सबका अधिकार है कि वो सावन में शिव के मंदिर पे अपना जल अभिषेक कर सकते हैं, उसमें हम किसी को ये भी नहीं कह सकते आप करोगे आप नहीं करोगे, उसमें बहुत सारे और समुदाय हैं, वो लोग भी आके करते हैं। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मिर्गोला में 18 तारीख को दोनों पक्षों के सरदार लोग बैठे थे, उसमें उन्होंने खुद ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि आप ये यात्रा पूरी करें, और हम तो ये चाहेंगे कि हम आपके लिए फूल बिछाएं,
ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा, जो वहाँ पे समाज के जैसे पाल खापों के होते हैं, ऐसे मेवात में जो पाल हैं उनमें से बिछोर के हैं इकबाल जी, और भी बाकी नाम भी आपको अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएंगे। वो सब ने कहा कि हम चाहते हैं कि यात्रा पूरी होनी चाहिए और हमें कोई आपत्ति नहीं है, और अगर हमें समय मिला और व्यवस्था बनी रही तो हम तो फूल बिखेरने के लिए भी तैयार हैं, हमारे भाई आ रहे हैं, सब हमारे भाई हैं, और हम उनके साथ जो हमसे कोऑपरेट होगा वो हम करें। जनता साहब, एक सवाल ये है कि एक नैरेटिव जो पिछली यात्रा के बाद हमला हुआ था उसके बाद चलाया गया, जैन साहब आप और जनता साहब दोनों इसका जवाब दे दें, कि जाट वर्सेस नॉन जाट एक चलाया गया कि जाटों ने समर्थन नहीं किया, जाट अलग थे, इससे एक नैरेटिव बहुत चला सोशल मीडिया पे, इस बार जैन साहब क्या है नैरेटिव इस बार क्या? इसका जवाब तो जेलदार साहब देंगे, मैं नहीं देना चाहूंगा। जी 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 जनता साहब, देखिए हर कोई भी बात होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें चलती हैं और कुछ लोग विशेष तौर पे चलाते हैं, ये कोई नया नहीं है, चाहे वो पीछे आंदोलन हुए हैं, हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। लेकिन जो आतंकवादी है वो कभी भी ये नहीं पूछता कि भाई तू कौन है और मैं तेरे को मारूं या ना मारूं, और सामने जो खड़ा है वो कहता है कि मैं जब दूसरे देश के नारे लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो एक बड़ी विषम स्थिति होती है किसी भी हिंदुस्तानी को ये वाली बात झेलना। सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से आके अंदर से आके कुछ चीज़ें ऐसे अपनी तरफ से प्लांट करने लग रहे हैं कि जो हमारा भाईचारा था, आप चार पीढ़ी पीछे जाएंगे वो सब हमारे ही गोत्र हैं, छिरकलौत है, डैमलौत है, सौरौत है, वो सब एक ही गोत्र हैं, वो लोग आज भी उन्हीं चीज़ों को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इनपुट करना चाह रहे हैं, उनको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। हम आज भी उसी परंपरा में विश्वास रखते हैं, वो भी कहते हैं कि हम रामकृष्ण के वंशज हैं, तो इस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि वही इस वर्ग का है इसका नहीं है, वो तो कुछ अलग से सोच के उनका कोई अलग एजेंडा है, और वो हर बार करेंगे। आप कोई भी आंदोलन कभी भी कहीं भी होगा आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिल जाएंगी जो जोड़ तोड़ के लिए करती रहेंगी। तो हम लोगों को विशेष तौर पर जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो हमें तोड़ रहे हैं, उनसे बच के रहना है। और आप मीडिया बंधु हो, इस देश के प्रमुख स्तंभ हो, मेरी तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ चिन्हित जरूर करें कि भाई ये देश के हित में कौन काम कर रहा है। अगर ये देश के हित में काम कर रहा है वो हमारा है, चाहे कोई भी है, वो मायने नहीं रखता कौन सी बिरादरी से है, कौन है। जिस दिन APJ अब्दुल कलाम का अंत्येष्टि हुई थी पूरा देश रोया था। तो ऐसी स्थितियाँ इस देश में हमेशा रही हैं, ये कभी भी इन विशेष बातों में नहीं जाता कि भाई ये कर रहा है ये कर नहीं रहा है। सुरेन जी, आपसे सवाल है कि आपने कहा कि आपने इजाजत अभी तक नहीं मांगी, लेकिन आप सूचना देंगे, अगर सूचना देने के बाद प्रशासन फिर भी मना कर देता है, जैसा कि इंटरनेट आज दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त की रात 12 बजे तक वहां नूह में बंद हो गया, तो क्या फिर भी आप लोग यात्रा निकालेंगे? आपके सूचना देने के बाद भी प्रशासन की तरफ से मना कर दिया जाता है तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। इसी प्रकार से जो प्रश्न मोहित ने किया था, मैं समझता हूँ यहाँ की उपस्थिति को देखकर आज ऐसे सब लोगों की जवान पर ताला लग जाना चाहिए। समाज को बांटने का और समाज के बाद देश को बांटने का षड्यंत्र होता है, ये किसी हालत में नहीं होना चाहिए। और आज की उपस्थिति तय कर रही है सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। सब प्रकार के षड्यंत्रों को विफल करके ही यह यात्रा निकलेगी। ठीक है, भारत माता की जय। हाँ, कौन नौ हिंसा के बाद से अब तक इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो जो कार्यवाही हुई है, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? कल उन्हाना में पुलिस पकड़ने गई थी कुछ लोगों को, तो पुलिस वालों को फिर से पत्थरबाजी की गई, सारी घटनाएं लगातार चल रही हैं, आप लोग अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट हैं? बड़ी मात्रा ऐसी है उन आतंकवादियों की जो राजस्थान में जाकर छिप गए, वो पकड़ में नहीं आ रहे, मास्टरमाइंड है, और वहां की सरकार उनको संरक्षण देती है, वहां का इतिहास हम जानते हैं। इसलिए ये मांग हमारी आज भी है कि इसकी जांच NIA के द्वारा होनी चाहिए, बचा हुआ कार्य वही पूरा कर पाएंगे। प्रशासन अभी तक जो कर रहा है 31 के बाद से, वह कार्यवाही अच्छी है, हम उससे संतुष्ट हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आखिरी सवाल है कि कितने लोग आप लोगों ने अधिकतम रखे हैं यात्रा में, कोई ऐसी पाबंदी? अरे मेरे भाई, कोई संख्या तय की जाती है क्या ऐसे धार्मिक स्थलों के ऊपर? जिसकी श्रद्धा है वो आएगा,
और जेलदार साहब ने बहुत स्पष्ट कहा है इसकी कोई सीमा नहीं रखी जा सकती। हाँ, मर्यादाएं क्या होंगी वो बैठकर अपने इस समिति के लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रशासन चाहेगा तो बैठकर चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मिनट। मेवात की जितनी भी घटनाएं होती हैं, मैंने अपने संबोधन में पहले भी कहा था, विशेष तौर से गौ माता की वजह से होती हैं। और हमारा ये सरकार से विशेष आग्रह है कि आपको 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आपको इस तरह की व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी कि भारत गौ वध मुक्त हो जाना चाहिए था। अगर कुछ अभी तक नहीं हुआ है तो उन्हें कर देना चाहिए। हम ये किसी भी स्थिति में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत में गौ माता का वध हो और उनका खून बहे। इसलिए जो हमारे धर्म गुरु हैं, चाहे पुरी के शंकराचार्य हैं या कितने भी, इतने बहुत सारे बुद्धिजीवी इस देश में हैं जो इस देश के बहुत सारी अव्यवस्थाओं को बड़ी आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। नासा जैसे जगह से भी उनसे परामर्श लेने के लिए आते हैं और बड़ी सहजता से उन परामर्श दे के उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो जो योग्य लोग हैं उनके उनकी विचारों को लेके इस भारत को गौ वध मुक्त करना है, यही हमारी सरकार से विशेष अपील है और आग्रह है। धन्यवाद। वही जो हमेशा से रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग चाय पानी के लिए आमंत्रित हैं।